दोस्तों दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। क्या होता है ना कि अभी की जो जनरेशन है, जो यंग एज है, हम ये यंग एज जो होती है ना, ये बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी भी रिलेशन में जल्दी से आ जाते हैं। और जब वो रिलेशन सक्सेस नहीं होता है या फिर सामने वाला बंदा उसे चीट करता है, तब फिर वो सोचते हैं कि यार ऐसी क्या गलती हमसे हो गई। ठीक है, अगर हम कोई रिलेशन में हैं, हम कैसे पता करें कि हमारे साथ वाला जो हमारा पार्टनर है, जिसके साथ में हम रिलेशन में हैं, ये हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, ये हम जो सोचते हैं ये भी वही सोचता है या नहीं सोचता है, सामने वाला बंदा हमसे ट्रू लव करता है या नहीं करता है, मतलब हमारा जो प्यार है ये सच्चा है या नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं या फिर आप अगर अपने पार्टनर को जानना चाहते हैं कि वो आपसे किस लेवल के रिलेशन पे है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये पांच चीज़ें वो ज़रूर करेगा, ठीक है। और अगर वो ये पांच चीज़ें आपके साथ करता है तो उस बंदे को कभी मत छोड़ना या फिर कभी चीट भी मत करना। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर कोई बंदा आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देगा, ठीक है। वो आपके आपको सबसे स्पेशल फील करवाएगा, आप उसके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, ठीक है। देखिए बात आती है प्रायोरिटी की और एक बात आती है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की, ठीक है। तो जो बंदा आपसे सच्चा प्यार करता है ना, वो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देगा। अब वो कैसे, अगर बंदा कितना भी बिजी हो, वो अपने पूरे टाइट शेड्यूल में से भी आपके लिए टाइम निकालेगा। आप उसे अगर कहेंगे तो वो आपके लिए करेगा, वो काम करेगा, भले ही धीरे करेगा, देर से करेगा, पर करेगा। अगर वो बंदा का बिल्कुल इतना बिजी शेड्यूल है, दिन भर जॉब करता है, उसके बावजूद भी वो टाइम निकाल के आपसे बात करेगा, ठीक है। अगर आप कहीं उसे जाने की कहते हैं, अगर कहीं आप घूमने की कहते हैं, तो वो जरूर आपके साथ जाएगा, कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगा और वो आपको टाइम जरूर देगा। मतलब वो बंदा आपको हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देगा, ठीक है। प्रायोरिटी देना एक अलग बात है। आजकल प्रायोरिटी सब बंदे ये जानते हैं, हर इंसान ये जानता है कि यार अगर हमको किसी को इम्प्रेस करना है तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पर प्रायोरिटी देना एक अलग होता है, एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना अलग होता है। और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सा बंदा, कैसा बंदा हमें कैसी प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो आती है कि जो बंदा आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर उसके मन में आपको लेके कुछ चीज़ सीरियस है, तो वो आपके लिए पॉजेसिव भी होगा, आपके लिए जेलस भी फील करेगा। ये बात नॉर्मल है और ऑब्वियस सी बात है। देखिए आज अगर मैं हूँ, मेरी लव मैरिज है, मैं हूँ, मैं भी शादी के पहले और आज भी अगर मेरे हस्बैंड किसी और लेडी से बात करते हुए दिखते हैं तो मन में जेलस फील होता है, पॉजेसिव मैं होती हूँ, पहले भी होती थी, इसको कोई गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर हम उन पे ये चीज़ें थोपते हैं कि नहीं आप उससे बात नहीं करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो वो चीज़ गलत है, वो रूडनेस आ जाती है। पर पॉजिटिवनेस हमारे लिए, सामने वाला अगर फील करता है हमें किसी चीज़ के लिए, अगर वो केयर करता है हमारी, तो ये उसके सच्चे प्यार की निशानी है, उसे कभी भी आप गलत ना समझें। होता है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं और अगर टीवी देखते हुए किसी एक्टर की अगर मैंने तारीफ कर दी तो उनके मन में क्यों, मुझ में क्या कमी है, होता है ना ऐसा। तो ये होती है पॉजिटिवनेस, एक जेलस फील। तो ये कब होती है, जहाँ पर होता है सच्चा प्यार। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा, वो थोड़ी सी जेलस भी फील करेगा, इस चीज़ को उनके गलत कभी ना समझे। तीसरी बात आती है कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको अपने फ्रेंड्स से मिलाएगा, अपनी फैमिली से मिलाएगा, अपने जो भी उसका ग्रुप है उससे मिलवाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ में घुले मिले, आप उसका ग्रुप को पहचाने, उसकी फैमिली को पहचाने, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहता है, वो आपको लाइफ में आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो आपको अपनी फैमिली से मिलाता है, बात करवाता है, या फिर अपने फ्रेंड से मिलवाता है, बात करवाता है, आपको अपने साथ में रखना चाहता है, इसका मतलब है कि सामने वाला बंदा आपसे सीरियस है, आपके रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा है, वो फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, इसलिए वो आपको सबसे मिलवा रहा है। इस
लिए अगर कोई व्यक्ति जिसको जिससे आपको लगता है कि आपका रिलेशन है वो आपको जहाँ तक अगर आपको किसी से मिलवाता है या अपनी फैमिली मेम्बर से मिलवाता है, अपने घर ले जाता है, तो इसमें बिल्कुल संकोच ना करें या फिर उसे गलत बिल्कुल ना समझें, क्योंकि वो आपके लिए सीरियस है। अब चौथी बात ये आती है कि सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करता है, अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेके उसके जो प्लान है, करियर को लेके प्लान है, छोटे से छोटा सीक्रेट है, अगर कुछ ऐसी बातें अपने साथ में शेयर करता है तो सामने वाला आपसे कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो आपको अपने लाइफ का एक हिस्सा बना रहा है, अपनी छोटी से छोटी बात आपको बता रहा है, अपने आगे के प्लान्स आपको बता रहा है। इसका मतलब वो आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ रहा है, आप उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वो आपको ये सब चीज़ें बता रहा है। अगर आपको वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग बताता है या फिर अपने कल क्या करेंगे, कैसा करेंगे, फैमिली में ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीज़ें अगर अपनी छोटी छोटी बातें वो आपके साथ में शेयर कर रहा है, छोटी से लेके बड़ी तक बातें अगर कोई आपसे शेयर कर रहा है, मतलब वो आपको लेकर सीरियस है। आपके अगर वो अपने पास्ट की कुछ बातें आपको बताते हैं, अपनी फैमिली की बातें बताते हैं या फिर अपने फ्यूचर की बातें, कुछ भी मतलब बातें जो छोटी मोटी बातें मिला के जो बातों का एक बंच होता है अगर वो आपके साथ में शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति आपसे सीरियस है, अपने रिलेशन को वो मजबूत बना रहा है, वो आपको अपनी लाइफ का पार्ट बना रहा है और लाइफ में जो जो होने वाला है या जो हो गया है उस सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और लास्ट बात कि जो व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की रखता है। आप उससे नाराज होंगे, आप उससे गुस्सा होंगे तो आपको मनाएगा, हो सकता है थोड़ा नाटक करेगा पर आपको मनाएगा। देखिए, रूठना मनाना हल्की फुल्की नोकझोंक सब रिश्तों में चलती है, पर सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको किसी भी बात पर छोड़ के जाने की बात नहीं करेगा, आपको किसी भी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ेगा, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपस में जमाएगा। अगर आपको लगा है कि आप अगर उससे किसी चीज़ से नाराज हो गए हैं तो वो आपको ज़रूर मनाएगा, आपकी बात को समझेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें आप पे थोपेगा, आपकी बातों को समझ के आपकी बात अगर गलत होगी तो वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, अपना भी पक्ष रखेगा साथ में आपके भी पक्ष रखेगा और दोनों के बीच का एक रास्ता निकालेगा। और जो व्यक्ति ये काम नहीं करता है, मतलब वो सीरियस नहीं है, वो सिर्फ आपसे टाइम स्पेंड कर रहा है आपके साथ में और बस अपना काम निकला और वो अपने रास्ते हो लेगा, पर जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है वो अंडरस्टैंडिंग बना के चलेगा, आपकी अगर कोई बात गलत भी है उसको भी एक्सेप्ट करेगा और भविष्य में जाके हो सकता है कुछ अगर ट्रबल्स का सामना करना पड़े तो आपके साथ में खड़ा रहेगा, ना कि आपको वो अकेला छोड़ के जाएगा। तो ये थी 5 ऐसी बातें कि जो व्यक्ति अगर आपके साथ में करता है मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देगा, दूसरा है आपको लेके पॉजिटिव रहेगा या फिर जेलस भी फील करेगा थोड़ा सा, तीसरी बात आपसे वो शेयरिंग करेगा, मतलब अब आपको अपने छोटे बड़े सब तरह के मामले जो है वो बताएगा, कुछ भी अपनी लाइफ कि हर चीज को आपके साथ में शेयर करेगा। चौथी बात, आपको वो अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने ग्रुप से मिलवाएगा। और पांचवी बात, आपको वो समझेगा, अंडरस्टैंडिंग गजब की रखेगा। तो ये अगर 5 चीजें आपको जिस व्यक्ति में मिलती है उसे कभी भी मत छोड़ना, और चीट करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आप चीट करेंगे तो वो व्यक्ति पूरा टूट जाएगा अंदर से, वो कभी भी फिर किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो यंगस्टर्स हैं जो ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कई बार हंसी मजाक में, खेल में किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी जो सच्चा प्यार करने वाला होता है उसे भी हर्ट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें समझें आप, ये चीज़ों को अंदर से। कई बार ऐसे होते हैं कि जो खुद चीट हो जाते हैं कि जो ये चीज़ें समझते नहीं हैं सामने वाला, वो तो अपने हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल सामने वाले पे न्योछावर हो गए और सामने वाला उसे चीट करके और चला जाता है, बाद में बैठ के रोते हैं। तो उन सब चीज़ें, ये बात की जो वर्स्ट कंडीशन होती है उनसे अगर बचना है तो सामने वाले में पहले ये चीज़ें आप देखें, क्या वो आपके साथ में रिलायबल है, आपके साथ में लॉयल है, तभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँगी, और भी कई फिलोसॉफी वाली कुछ अच्छी सी बातें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चैनल पर बने रहिएगा, और भी कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं, जैसे आप हेल्थ टिप्स चाहते हैं,
तो लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा है। अगर आप ब्यूटी टिप्स चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेंगे। आपको वीडियो में कंटिन्यू कुछ आई बटन्स दिखते जा रहे हैं। अगर आप उस चीज़ों से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं जरूर वहां पर जाइएगा। अब आप मुझे एक और चैनल पर देख सकते हैं, वे टू सक्सेस डू यू नो पर, जहां पर कुछ रोचक जानकारियां, कुछ रोचक तथ्य, साथ ही में कुछ कहानियां, कुछ अद्भुत किस्से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।